अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फनकार बॉयज़। तो यार आज मैं आया हूँ कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट मीरपुर में, जो कि पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा ऑर्फनेज है। तो आपको दिखाएंगे कि हाउ इज़ लाइफ एट कोर्ट। तो पहले हम कोर्ट के किसी स्टाफ से और उसके बाद हम आपको विजिट कराएंगे कोर्ट का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर प्रोग्राम्स ऑफ कोर्ट सर साकिब जावेद साहब, जो कि हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे कोर्ट के हवाले से। तो सर जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट हिस्ट्री एंड ऑल ओवर द थिंग्स अबाउट कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट जो कि एक आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, बल्कि साउथ एशिया का आप कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्फनेजेस में से एक है। ये अदारा 2005 के जलजला के बाद चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब, जो के कोर्ट के बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। जो बैकग्राउंड था वो ये था कि 2005 का जब जलजला आया तो चौधरी अख्तर साहब अपनी टीम के साथ रिलीफ का काम के लिए मुजफ्फराबाद और पुंछ के इलाकों में गए, और वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ जो आइडेंटिफाई की वो ये थी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो या तो बैंडेड हो गए हैं, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हैं, या उनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जब ये चीज़ आइडेंटिफाई की तो बैक वापस जाते हुए उन्होंने एक चीज़ डिसाइड कर ली वहाँ पे ही कि इन बच्चों के लिए कोई काम करना है। तो जब ये शुरू हुआ, आपने शुरू किया 2005 में, उस वक्त आपके पास कितने बच्चे थे? जी, ये तकरीबन 40 से 50 बच्चों का एक ग्रुप था जिसको यहाँ पे लाया गया, उनको रेंटल बिल्डिंग से उसका स्टार्ट किया गया, और उसके बाद इन बच्चों की तमाम तर जिम्मेदारी अख्तर साहब ने जो है वो अपने जिम्मे ली। कोर्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है ये, आप ये कब बना और कब? जी कम्प्लीटली अख्तर साहब की एफर्ट्स के बाद 2007 में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे सरदार अतीक साहब, उन्होंने एक ट्रस्ट करते हुए उन्हें कहा कि जी हम लैंड देते हैं जो यहाँ पे ये एजुकेशन कम्प्लेक्स की है। ये उस वक्त पहाड़ थे सारे, इनको लेवल किया गया इसके ऊपर। कितनी ज़मीन थी? ये तकरीबन 23 एकड़ के करीब ज़मीन दी गई, और इस सारी ज़मीन को लेवल करने के बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ फेजेस के अंदर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई, जिसमें एजुकेशन कम्प्लेक्स की बिल्डिंग बनाई गई, उसके साथ एक मेस बनाई गई, हॉस्टल, दो हॉस्टल्स फॉर जिना हाउस एंड फातिमा हाउस गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हॉस्टल बनाया गया, मस्जिद बनाई गई, ठीक है। और फिर ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी ये 2018 के जो एंड पे है आप कह सकते हैं कि इसको कंप्लीट कर दिया गया। राइट नाउ आपके पास कितने बच्चे हैं कोर्ट में? इस वक्त हमारे पास 400 के करीब बच्चे हैं, और हमारे पास जो इस पूरे कम्प्लेक्स की कैपेसिटी है उसमें 1500 जो है बच्चे उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। नियर फ्यूचर में 1 से 2 सालों में हम ये प्लान कर रहे हैं कि 1000 के करीब जो है वो रेजिडेंशियल बच्चे जो है उनको यहाँ पर रखा जाए, और मज़ीद 500 बच्चे जो डे स्कॉलर्स के तौर पे यहाँ पे आया करेंगे, नियर बाय कम्युनिटीज से पढ़ा करेंगे, यहाँ पे जो हमारा KSNC है, कोर्ट स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, उसमें वो एजुकेशन हासिल करेंगे और वापस उनके लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस। चलें, बहुत शुक्रिया सर। सर हमें इजाज़त है कि हम एक विज़िट कर लें कोर्ट का? जी ज़रूर, आप विज़िट करें, और थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत शुक्रिया। सो तो हमारे साथ हमें कोर्ट का विज़िट कराने के लिए मौजूद हैं कोर्ट के स्टूडेंट मोहम्मद फ़हीम, जो कि हमें कोर्ट का विज़िट कराएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम, कितने अरसे से आप कोर्ट में रह रहे हैं? 8 अक्टूबर 2005 के जलजले में मेरे अबू शहीद हो गए थे, उसके बाद मैं और मेरी 4 बहनें, तकरीबन मुझे 14 साल हो गए यहाँ पे। इधर ही? जी। पहले हाल रोड पे आप रहे हैं और आप इधर? जी बिल्कुल, तकरीबन मैं 2-2.5 साल का था जब यहाँ पे आया था। चलें, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम शुरू करें। बिल्कुल हुसैन भाई, जिस टाइम जो हम इस वक्त जिस बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, ये हमारी स्कूल बिल्डिंग है, इसके 3 फ्लोर हैं। एक फ्लोर है 46,000 स्क्वायर फीट का, आज़ाद कश्मीर की सबसे लंबी बिल्डिंग है, 3 फ्लोर हैं इसके, ठीक है। ये तो जी जिसमें हम खड़े हैं, तो अभी रिसेंटली, पहले ये 10th क्लास तक था, और अभी रिसेंटली जो है फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड हुआ है, और अब यहाँ पे जो है हमारा कॉलेज भी यहीं पर है। 2nd ईयर तक जो हमारे बहन वो यहीं पर पढ़ते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो हमारे बड़े बहन भाई हैं वो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी आपके स्टूडेंट? जी, पिक एंड ड्रॉप ऑलमोस्ट 20 से 25 हमारे बहन भाई हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप सारा कुछ कोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस कम्प्लेक्स की मैं आपको हुसैन भाई एक खास बात बताऊँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हर रूम के बाहर ये प्लेट लगी हुई है। इस कम्प्लेक्स का
हर चीज़ हर रूम स्पॉन्सर हुआ है, जो स्पॉन्सर करता है, जिसके लिए स्पॉन्सर करता है उसका नाम इस प्लेट पे डिस्प्ले होता है। मिस्टर जावेद इकबाल साहब ने ये रूम उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ, जिसके असाले स्वाब के लिए स्पॉन्सर करते हैं उसका नाम भी यहाँ पे लिखा जाता है कोर्ट के हर रूम के ऊपर। ये हर रूम के ऊपर, ये कोर्ट की खास बात है कि कोर्ट का हर रूम जो स्पॉन्सर है जी। ये वॉल ऑफ ऑनर है, इंग्लैंड से स्पेशल प्रिंट होके आती है, ये ब्रिक 1000 pound की है, जो उसको स्पॉन्सर करता है उसका नाम यहाँ पे जो है ना डिस्प्ले होता है, इसको हम बेसिकली वॉल ऑफ ऑनर ऑफ कोर्ट कहते हैं, यानी डोनर्स के नाम है। डोनर्स के नाम है, तकरीबन ज़्यादातर जो है ना मेजोरिटी इंग्लैंड से जो है ना ये सारी डोनेट हुई हुई हैं। सारी यू शेप बिल्डिंग है, ये सारी स्कूल बिल्डिंग है, तकरीबन ये 90 क्लास रूम्स पर मुश्तमिल है। दरमियान में जो है ना एडमिन ब्लॉक है, इसमें चेयरमैन ऑफिस, हमारा वेटिंग एरिया, रिसेप्शन वगैरह सब कुछ, एडमिन रूम, एडमिन ऑफिस वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। दरमियान वाला एडमिन ब्लॉक और बाकी जो है ना यू शेप जो बिल्डिंग है सारी 90 क्लास रूम्स हैं इसके, ये हमारी स्कूल बिल्डिंग है। हुसैन भाई जो कोर्ट के फाउंडर हैं उनका नाम है चौधरी मोहम्मद अख्तर, बेसिकली वो जो है ना इंग्लैंड में पैदा हुए हैं जी। 25 साल की उम्र में पहली बार इंग्लैंड आए थे, इंग्लैंड से पाकिस्तान आए थे, तो वो कहते हैं मैं कानू को हाथ लगा के वापस गया था। और 2005 के जलजले में जब वो दोबारा आए तो उस वक्त जो है ना अंकल की एक ही बेटी हैं और अंकल की जो वाइफ है वो डिसेबल है 23 साल से। अंकल की बेटी जो 23 साल की है और जब वो पैदा हुई थी तो आंटी जो है डिसेबल हो गई थी। अच्छा। उनको उस हालत में छोड़ना और महीने में 3 चक्कर लगाना, अब सोच सकते हैं कितना मुश्किल होता होगा। महीने में 3 हर महीने में बिल्कुल 10 दिन यहाँ पे रहे, 10 दिन वहाँ पे रहे, 1 हफ्ता यहाँ पे रहे, 1 हफ्ता इंग्लैंड में। और अंकल कहते हैं जिसने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है वो एक मेरी बेटी हैं और एक मेरी वाइफ हैं। मेरी बेटी ने वो सारे काम किए हैं जिनकी ज़िम्मेदारी मेरी थी, मेरी वाइफ को संभालना मेरा काम था, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि कोर्ट को आप ज़्यादा टाइम देते हैं या हमें नहीं देते। जो काम मेरा था वो सारा मेरी बेटी ने संभाला। ठीक है, ठीक है। अपनी अम्मी का ध्यान रखा। और आप कह रहे हैं कि जब वो 25 साल की उम्र में पहली दफ़ा पाकिस्तान आए थे, 25 साल की उम्र में अंकल पहली दफ़ा पाकिस्तान, और कहते हैं मैं कानों को हाथ लगा के वापस गया था कि कभी इस मुल्क में। यार ये बड़ी बात है वैसे जी। तो ये जो बिल्डिंग है ये इसके बारे में, ये जिना हाउस है, ये हुसैन भाई जिना हाउस है। बेसिकली कोर्ट के जो है ना टोटल इसमें कितने बच्चों के लिए जगह है, 1000 जो है ना वो ऑर्फन्स है, ठीक है, उनके लिए कैपेसिटी है ऑर्फन्स की, और 500 जो है ना वो डे स्कॉलर्स हैं। ये है जिना हाउस, यहाँ पे 500 बॉयज़ की कैपेबिलिटी है। और उसी के सामने जो है ना फातिमा हाउस है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट प्ले एरिया, टीवी रूम, स्टडी एरिया। चलते हैं हम आपको दिखाते हैं अंदर से। अभी रिसेंटली हुसैन भाई स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब ने जो है ना जिना हाउस की ऑफिशियली ओपनिंग की है। चलें हम आपको दिखाते हैं हमारा घर अंदर से कैसा है। ये हुसैन भाई हमारा अंदर से घर, ये बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, आराम से बैठते हैं बच्चे यहाँ पे, गपशप लगाते हैं। और ये कितने फ्लोर हैं? 4 फ्लोर्स हैं ये, और एक रूम में आपको बताऊँ 12 बच्चे बंक बेड हैं। रूम अंदर से आपको दिखाते हैं, हर 2 रूम छोड़ के एक आंटी हैं जो उन बच्चों के कपड़े इस्त्री करती हैं, उनके शूज़ पॉलिश करती हैं, उनकी यूनिफॉर्म, क्योंकि ज़रा छोटे बच्चे हैं। अच्छा। तो उनकी टेक केयर बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह घर में पेरेंट्स करते हैं। चलें चलते हैं रूम में। चलें दिखाते हैं आपको जी हमारे छोटे छोटे बहन भाई कहाँ पे रहते हैं। ये जी हमारे छोटे छोटे भाई कहाँ पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान। इधर कितने अरसे से रह रहे हो? इतने अच्छे हैं बरात। और बहन भाई भी हैं आपके? जी। पीछे किधर से हो, किधर से आए हो? कश्मीर। कश्मीर से? तश्मीर से, तश्मीर से इधर आए हो। तो कोर्ट अच्छा लगा? कोई नहीं अच्छा। क्या अच्छा है इसमें ज़्यादा? इतने अच्छे में कपड़े मिलते हैं, इतने अच्छे सैंडल मिलते हैं। ये हुसैन भाई हादी, शक्ल से देखें आप इतना शरीफ लगता है, लेकिन इसने पूरे कोर्ट को तंग करके रखा हुआ है। क्या नाम है? हादी। पूरा नाम क्या है? अस्मती। हैं अस्मती। ये जितना जोर से क्यों बन नहीं रहा, ये जोर से बोलो। वैसे तुमने तंग किया होता सबको। अस्मती। तो ये फहीम भाई क्या कह रहे हैं, तंग किया हुआ है सबको? तुम नहीं करता सबको हादी, मारते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकील। अकील कितने अरसे से कोर्ट में रह रहे हो? 8 महीने। 8 महीने से रह रहे हो, कैसा लगा कोर्ट? ठीक लगा बस। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कोर्ट में?
खाना बहुत अच्छा है। ये मैं सवाल है यहाँ पे जो है ना, तीन टाइम का हम खाना खाते हैं, तो मेल एंट्रेंस है ये? जी मेल एंट्रेंस है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें एक टाइम में 2000 लोग खाना खा सकते हैं। डबल स्टोरी है, ठीक है, चलें दिखाते हैं आप। तो ये पार्टीशन तुम लोगों ने रखी हुई है वो उस तरह से? गर्ल्स हैं और इस साइड हम बॉयज हैं। ये तुम लोगों का फिलहाल, तुम लोग एक स्टोरी यूज़ कर रहे हो? फिलहाल अभी एक स्टोरी यूज़ करें क्योंकि स्ट्रेंथ अभी कम है, तकरीबन 400 बच्चे हैं। अच्छा, तो वो पूरे आ जाते हैं यहाँ पे, इसलिए ये बच्चों की जगह, ये छोटे बच्चे यहाँ पे इस जगह पे, इसी तरह उस साइड भी जो है ना। तो किचन में जाना अलाउड है इस वक्त? जी बिल्कुल अलाउ है, यहाँ पे लाइन मिलती है, यहाँ से आया खाना देती है, जो गंदे बर्तन होते हैं, जी गंदे बर्तन होते हैं वहाँ पे, और वहाँ से पीछे वॉश होके जो है ना स्टैंड से पीछे। वैसे वैसे बच्चे जो हैं वो किचन में, मेस टाइम में किचन में नहीं जा सकते, नहीं इधर से खाना लेने, इधर से खाना लेना है, और यहाँ से अपने बर्तन आपने यहाँ पे छोड़ देने, आयाज उठाएंगी, आयाज धोएंगी और वही डिस्प्ले कर देंगी अंदर। वहाँ दिखाते हैं आपको अंदर जहाँ पे बर्तन धोते हैं और कहाँ पे कैसे बर्तन डिस्प्ले पे हैं। ये वो ये यहाँ पे आयाज खड़े होकर खाना देती हैं, ठीक है, और ये आप लोगों के सारे बर्तन, साथ जो है वॉश एरिया, यहाँ पे आयाज यहाँ पे मैं आपको बताऊँ हुसैन भाई कि 125 प्लस हमारे पास स्टाफ है जिनमें आयास, कुक्स, वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड, पूरे कोर्ट में, पूरे कोर्ट में है ना। ये मेन किचन है आप लोग? ये मेन किचन है, यहाँ पे देखिए मशीनरी, जाहिर है 400 बच्चों के लिए खाना बनाना इतना मुश्किल काम है, इसलिए ये आटा गूंदने की मशीन, कीमा बनाने की, प्याज वगैरह की, यहाँ पे साथ ही दो राशन स्टोर है यहाँ पे। ये पीछे किधर जा रहे हैं हम? ये हम लोग बाहर जा रहे हैं मेन, पीछे हमारा ये गार्डन है यहाँ पे, इसके भी ज़्यादातर पौधे जो है ना वो भी स्पॉन्सर है, सारे स्वाप किए हुए लोगों ने जो है ना अपने वालदे के नाम के लिए। और दूसरी आपको एक बात बताता चलो कि अभी रिसेंटली जो है ना हमने कंपेन चलाई थी कि आपका दाना और यतीम का खाना, उससे जो लोग थे इर्द गिर्द के उन्होंने अपनी गंदम दी, और अब जो है ना हम 3 से 4 माह हो गए हमें जो है ना, हम अपना यहाँ पे आटा बना रहे हैं यहाँ पे, और वही आटा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। आटा चक्की अंदर ही लगी हुई है? अंदर ही लगी हुई है वहीं पे, और हम लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब बाहर से आटा नहीं आ, बाहर से आटा नहीं आ रहा। और दूसरी बात कि नीचे हमारा जो डेयरी फार्म है, ज़ाहिर अब पता आपको हालात कैसे हैं, दूध में दिखाएंगे बिल्कुल, वो दूध भी हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट का जितना भी स्टाफ है उसको जो है ना हम पिक एंड ड्रॉप देते हैं। हमारे पास इस वक्त 2 हाइएसेस हैं, एक कोस्टर है, एक एम्बुलेंस और एक शेजोर है, ठीक है। हमारा यहाँ पे अपना नर्सिंग रूम है, नर्सेज जो है ना 24 आवर्स अवेलेबल होती हैं। ये जो जगह है ये वही गाड़ियाँ धोने जी, ड्राइवर्स वगैरह आके यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं। उसके पीछे जो है ना गार्डन है छोटा सा बनाया हुआ, फ्यूचर में हमारे काम आएगा इंशाल्लाह। और ये बाउंड्री लाइन है जो है तकरीबन, ये बाउंड्री लाइन दिखाएं, बाउंड्री लाइन दिखाएं, ये बाउंड्री लाइन, ये कोर्ट की बाउंड्री लाइन, कोर्ट की बाउंड्री लाइन है स्पेशल। और दूसरी इसमें तकरीबन पूरे कम्प्लेक्स में जो है ना 360 प्लस CCTV कैमराज हैं पूरे कम्प्लेक्स में, बाउंड्री वॉल्स में, हमारे कम्प्लेक्स के अंदर कैमराज लगे हुए हैं। हर ये जो आपको लाइट्स नज़र आ रही है ना, इनके साथ जो है ना CCTV कैमराज हैंग हुए हैं, ठीक है। और पूरे कम्प्लेक्स में जो है ना फायर एग्जिट सिस्टम है, CCTV कैमराज हैं जिनको 24 आवर जो है ना मोनिटर किया जा रहा है यहाँ से भी और इंग्लैंड से भी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आटा जो है हम अपना इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जो है ना दूध जो है ना हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भैंसें रखी हैं और गायें रखी हैं। कितनी हैं? तो 4 भैंसें हैं और 3 गायें हैं अपनी कोर्ट, अपनी कोर्ट की। उस पे भी वर्कर रखे हुए हैं? वर्कर्स रखे हुए हैं, एक फैमिली रखी हुई है जो उनकी टेक केयर करती है सारा। छोटे बच्चों को जो है ना सुबह और शाम को एक एक ग्लास दूध का मिलता है। और ये तुम लोगों का ग्राउंड है? ये हमारा जो है ना अभी टेम्प्रेरी ग्राउंड है, जाहिर है हम लोग जब शिफ्ट हुए थे तब तो ये सारी पहाड़ियाँ थी और उसको काट के वगैरह बनाया गया है। तो अभी जो है ना नेक्स्ट फेज में जो है हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, उसमें हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट वगैरह। तो इसके बाद ये हमारी मस्जिद है सामने, वो तकरीबन ये आज़ाद कश्मीर की पहली मस्जिद है जिसके अंदर जो है ना डिसेबल्स के लिए जो है ना सारी सहूलियात हैं। और उसके बाद ये हमारा जितना भी कम्प्लेक्स है ना इस सारे के अंदर डिसेबल के लिए सहूलियात हैं, यानी कोई भी डिसेबल इजीली इसको विजिट कर सकता है क्योंकि अंकल जो है ना, अंकल की अपनी वाइफ आंटी जो है ना वो डिसेबल हैं, तो उन्होंने जी उस लिहाज से बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि डिसेबल के लिए मुश्किल क्या होती हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पर हर टाइम रहते हैं जो है, तकरीबन 3 शिफ्ट्स हैं, 22 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, 3 शिफ्ट्स में वो काम करते हैं। 2 मेन एंट्रेंस पे हो गए, एक जिना हाउस में, एक फातिमा हाउस में, मेन एंट्रेंस में बाहर मेन गेट पे। तो फहीम कोई लास्ट मैसेज देना चाहें आप हमारे व्यूअर्स को? उस
حسین بھائی میں ان تمام مسکوٹیئرز ڈونرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سپورٹرز ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے نا انکل کا یہ خواب حقیقت میں تبدیل ہوا اور یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایجوکیشنل کمپلیکس بنا. اور جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہمارا گھر کیسا ہے، ہم لوگ کس ماحول میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے تو آپ لوگ آئیں اور ہمارے انکل کا ساتھ دیں. چلیں، بہت شکریہ یار آپ کا، تھینک یو ویری مچ. تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. انٹل دین ٹیک کیئر.